हेलो दोस्तों, वेलकम चैनल। मैंने अभी न्यूज़ पढ़ी इंडिया टुडे की, एक्चुअली आज की न्यूज़ नहीं है, 12 अप्रैल की न्यूज़ है, आज 14 हो गया। उसमें ये था कि पाकिस्तान चाहता है कि अपने देश में वो 400 हिंदू मंदिरों को रिस्टोर करें। एक्चुअली पाकिस्तान की धरती पे 428 मंदिर टोटल थे, जिनमें से 408 मंदिरों को गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल, रेस्टोरेंट, टॉय स्टोर, ये सब बना दिया गया। तो उनको रिस्टोर करना चाह रहा है और हर साल 2 मंदिरों को वो रिस्टोर करना चाह रहा है। ये कोशिश वो इसलिए कर रहा है कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन हो जाए, आसपास के देशों के साथ अच्छा रिलेशन हो जाए, थोड़ा सा हिंदुओं के लिए, वहाँ के बेटरमेंट के लिए वो कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा भी है उसमें और उस आर्टिकल में। अब आते हैं एक मेन मुद्दे की बात पे। अगर उसने रीस्टोर करने की बात कही है, ये शब्द बहुत ज़रूरी है। रीस्टोर मतलब वहाँ पे चीज़ें थी, आपने तोड़ा, आप फिर उसको बना रहे हैं। यहाँ पे एक आप थोड़ा और हिस्ट्री में चले गए, जो पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, इंडिया का हिस्सा था। मुग़लों ने 800 साल पहले के आसपास की बात है, मुग़लों ने 40,000 मंदिर तोड़े थे। मंदिर बोला मैंने, 40,000 मंदिर तोड़े थे और अपने स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर लिया, चाहे कुछ मस्जिद हो, चाहे अपने हिसाब से कोई भी मॉन्यूमेंट हो, बना लिया। जब से वापस से डेमोक्रेसी हमारी मिली हमें, हम आज़ाद हुए, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी आ गई, लेकिन किसी ने ये शब्द ना मैनिफेस्टो में रखा, ना ये विचार अपने पब्लिक के सामने रखी कि हम भारत के मंदिरों को रीस्टोर करेंगे, धीरे धीरे ही सही करेंगे। अब शायद शुरुआत वो करते भी राम मंदिर से, एक नींव रखते भी कि एक कर दिया, बाकी भी करेंगे। तो वहाँ पे अड़चने पड़ने लगी, किसी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और आज 150 साल हो गए और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या स्पीड है और क्या जजमेंट है, ये तो बहुत अपने आप में ही माशाल्लाह। देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कह भी दिया था कि वहाँ पे एएसआई की रिपोर्ट के हिसाब से राम मंदिर के होने के सबूत मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में कह दिया था कि मस्जिद कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है इस्लाम का। इस्लाम में ये चीज़ भी है कि विवादित ज़मीन पे नमाज पढ़ना गलत है, गैर इस्लामिक। तो अब दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर, मस्जिद एक इस्लामिक जगह नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, विवादित ज़मीन पे तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए नमाज, पहली चीज़। ये मुसलमानों की तरफ से क्लियर हो जाता है, हिंदुओं की तरफ से ये क्लियर होता है कि आपके पास है भाई, प्रूफ है, पिलर्स हैं नीचे ज़मीन के अंदर और राम मंदिर के होने के सबूत हैं। जब दो चीज़ें साथ में हैं तो सुप्रीम कोर्ट पता नहीं बना रहा है। खैर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, लेकिन जब ऐसे जजमेंट्स आते हैं, जो अभी रिसेंट में आया कि पूजा की याचिका खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अब तुम लोग देश में शांति नहीं रहने दोगे, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से बहुत पोलाइटली कि कौन है वो जो शांति भंग कर रहा है भाई, मुसलमान या हिंदू, कौन करेगा शांति भंग? पूजा हो जाएगी तो, पूजा तो लोग शांति के लिए करवाते हैं, शांति भंग कैसे हो रही है? अब बात आती है रिस्टोर करने की। मैं ये नहीं कहता कि सरकार सारे डेवलपमेंट छोड़ के 40,000 मंदिर बनाए, बस मैं ये कहता हूँ कि शुरुआत कहीं से तो करे, जो बिल्कुल एंशंट, बिल्कुल कंपलसरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको तो बनाए। आप आदमी अपना, अपने रिलीजन का पास्ट तो समझे, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में जितना गांधी और नेहरू फेमस हैं, उतना सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री फेमस बिल्कुल नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर आज देश आज़ाद है तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से, गांधी की वजह से नहीं। और अगर कुछ रिस्टोर करना चाहिए, पॉइंट पे आ रहा हूँ अब, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिस्टोर करना चाहिए। मुझे जितनी नॉलेज है, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था किसी मुग़ल शासक ने, सारी किताबें जला दी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे 28 से 30 देशों के लोग पढ़ने आते थे, दुनिया भर का सारा ग्रंथ रखा था वहाँ पे, हर तरह की नॉलेज, हर फील्ड की नॉलेज मिलती थी और बहुत बड़ा कैंपस था। तो उसको तोड़ा, जलाया अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि हम कुछ भारत में तहस नहस कर रहे हैं, कर दिया। अगर कुछ रिस्टोर करना, सबसे पहला हाथ आप वहाँ डालो, एक ग्रैंड लेवल पे, ग्रैंड स्केल का यूनिवर्सिटी बनाओ, भारत के लोग वहाँ पढ़ने जाएं, वहाँ से डिग्री लें, वहाँ से निकलें तो कुछ बने, देश विदेश से लोग पढ़ने आएँ, वो सबसे सबसे बड़ा मेजर रिस्टोरेशन होगा और
सबसे अच्छा काम होगा। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होके 400 मंदिर बनवा सकता है, मतलब सोच रखी है, अभी समय है, हर साल बस दो बनाने के लिए कहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है वहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से। तो हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मंदिर बनाओ, मैं कह रहा हूँ कुछ तो रिस्टोर करो जो हिस्ट्री में इतनी वैल्यूएबल चीज़ है हमारे पास, रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, वो चीज़ों को रिस्टोर करना शुरू करना चाहिए सरकार को। और ये काम सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, जो सोसाइटी, जो समाज है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको कहना चाहिए कि हिस्ट्री रिस्टोर करना कंपलसरी है। आज के देश में लोग फ़ोन में इतना घुसे पड़े हैं, उनको सब पता है, वो चाहें तो एक फिंगर टिप से सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में उस जगह पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो चली को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैंने जो कहा कुछ अच्छा बुरा या सवाल या सुझाव कुछ भी लगे तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।